एडवोकेट सुजीत सम्राट, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, दिल्ली प्रदेश प्रभारी। साथियों, जैसा कि आपने पूछा है कि जो देवकीनंदन शर्मा, उसने कहा था कि जो SC ST एक्ट अगर ख़त्म नहीं हुआ तो मैं दो महीने के बाद दलितों को मंदिर में नहीं जाने दूंगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले में भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उस पर मैंने वायरल किया था वीडियो। तो हम बताना चाहते हैं अपने बहुजन साथियों को, ऐसे जो लोग हैं, ये जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ये कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाने देंगे, तो हमने अपने लोगों से गुजारिश करी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि आप मंदिरों में आपका उद्धार नहीं है, मंदिरों में जाने से आपका उद्धार नहीं है, आपका उद्धार है कॉलेजों में जाने के, आपका उद्धार है स्कूलों में जाने से लिए, क्योंकि आपको एजुकेशन बनना है, आपको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील अगर बनना है तो आपको स्कूलों में जाना है, ना कि मंदिरों में जाना है। अगर ये काम कर देगा देवकीनंदन ठाकुर, अगर काम कर दे कि जितने भी बहुजन उनको कह दें कि आप मंदिरों में ना आएँ तो बहुत अच्छा होगा, मगर साथियों ऐसा बहुजन समाज के लोग मानते नहीं हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो देवकीनंदन शर्मा है, इसका जो बाप था वो एक साधारण पुजारी था। साधारण पुजारी होने के बाद में जब देवकीनंदन आया, इसने 1000 करोड़ की संपत्ति बना रखी है। 1000 करोड़ की संपत्ति ये किन लोगों ने दी है? ये उन बहुजन लोगों ने दी है तुम्हें, भीख में दान, जो बहुजन समाज के लोगों को तुम बेइज्जती करने का काम करते हैं, उनका अपमान करने का काम करते हैं। अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो आप कहीं नौकरी करेंगे, कहीं पर आप 10,000-20,000 की नौकरी करेंगे, और देवकीनंदन जी आपका जो इतना मोटा जो पेट हो रहा है, मैंने पीछे भी बोला था, वो पेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेट बढ़ रहा है ना, ये हमारे बहुजन समाज के लोगों ने पैसा दे देगा, आपका पेट बढ़ा रखा है। और मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि इनके मंदिर में ना जाएं, इनको पैसा ना दें, इनका जितना मोटा पेट हो रहा है, देखो जो चेहरे पे इन पे लाली आ रही है खा खा कर, वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने पैसा जो दिया है इनको, उससे आ रही है। और 1000 करोड़ की संपत्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति एक IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील पर नहीं होगी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये कहाँ से आ गई इन पे? ये लोग लोगों को धोखा करते हैं, लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लूटने का काम करते हैं। और जो मेरे बेचारे जो बहुजन साथी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने नहीं पहचाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें और ऐसे लोगों के खिलाफ काम करें। ऐसे लोग जो मंदिरों में जाने से मना करते हैं, हम खुद नहीं जाना चाहते मंदिर में, मंदिरों से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। भाइयों, मंदिरों में नहीं जाना आप लोगों को, आपको अपने बच्चों को तैयार करना है कि मंदिरों में हमारा भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर है। और ऐसे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, मगर ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए हमें इनके जो बताए हुए रास्ता है, इनके जो मंडल जो एक, ये शायद मुझे लगता है कि ये जो कृष्ण का नाम पर कुछ बजाते हैं, खाने का काम करते हैं, कृष्ण के नाम पर कुछ कथा करने का काम करते हैं, उस कथा में ना जाएं, क्योंकि उस कथा से कुछ मिलने वाला नहीं है आप लोगों को, बल्कि इन लोगों की संपत्ति ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन लोगों की अब का 1000 है, अगर देखेंगे 3 साल के बाद में 2000-5000 करोड़ हो जाएगी इनकी संपत्ति। और ये संपत्ति कहाँ जाती है, ये पैसा कहाँ जाता है? ये जो देवकीनंदन शर्मा है, ये सिर्फ ये कथावाचक नहीं है, ये BJP का सक्रिय मेंबर है, BJP को फंडिंग करता है, लाखों करोड़ रुपया देता है BJP को। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सारे BJP के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो राजनाथ जी हों, चाहे वो और बड़े बड़े नेता हों, सबके साथ फोटो है इस इंसान की। अरे बाबाओं का राजनीति से क्या लेना देना, पर ये राजनीतिक व्यक्ति है, बाबा नहीं है, ये राजनीतिक व्यक्ति है। और ये BJP को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, BJP को फंडिंग करने का काम करते हैं। और फंडिंग कहाँ से आती है? आप लोग मजदूर लोग जो 300-200 रुपये की झाड़ी कर अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं, वो इनको पैसा देने का काम करते हैं। अगर आपने वो पैसा रोक दिया तो इनका जो 1000 करोड़ का साम्राज्य है, 2000 करोड़ का साम्राज्य है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये राजनीति नहीं करेंगे तुम्हारी तरह, कहीं बेलदारी करेंगे, कहीं पुताई करेंगे, कहीं चिनाई करेंगे, कहीं और कुछ काम करेंगे। ऐसा काम करने दो इनको, मंदिर में ना जाओ मेरे भाई बहुजन भाइयों, आप किताबों के साथ जाओ, आप लोग विद्यालय में जाओ, कॉलेजों में जाओ। मेरा यही संदेश है आप लोगों से लिए, ऐसे फिर लोग कभी नहीं कहेंगे, इनके जो मोटे मोटे पेट हो रहे हैं कभी नहीं कहेंगे अगर आपने मंदिर में जाने से मना कर दिया। आप मंदिर में ना जाएं, आप विद्यालय में जाएं, और साथियों आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को पढ़ें, और आप और महापुरुषों को पढ़ें जिन्होंने क्रांति करी है। साथियों जब भी हमारा कल्याण हो सकता है, जब भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जब भी इन
जो ढोंगी लोग हैं इनका सामना कर सकते हैं। और जो बाबा हैं, मैं एक और आखिरी बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी बाबा हैं, अगर बाबागिरी में, अगर भगवान की पूजा करने में मंदिर में इतना अगर बड़ा काम होता तो ये लोग पार्लियामेंट में नहीं जाते। एक बाबा तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और कितने ही बाबा जो वो पार्लियामेंट में बने बैठे हैं। अगर ये बाबा घंटा बजाने से ही सब कुछ मिल जाता तो पार्लियामेंट में नहीं जाते। हम लोगों को कहते हैं कि मंदिर में जाके पूजा करो, वहाँ तुम्हारा उद्धार होगा, और आप पार्लियामेंट में मजे ले रहे हैं, आप देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहुजन साथी को है कि साथियों, आप पढ़ लिख कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करें और राजनीति में भी अपना नेतृत्व दें, समाज में भी अपना नेतृत्व दें, और जहाँ तुम नेतृत्व देना चाहते हो वहाँ अपना नेतृत्व दें। घर में ना बैठें, आप लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के राजा हैं, आपको इस देश का राजा बनना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। अगर देश का शासक बनना है तो इस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन कर दो। अगर तुमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है वो कभी भारत में पूरा नहीं होगा। अगर तुम भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहते हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा, ना कि ऐसे देवकीनंद शर्मा के रास्ते पर चलना पड़ेगा।